अस्सलाम वालेकुम बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिसको हमें पढ़ने जाना है, वो क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हैं, किस तरीके से क्या सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको, मैंने पहले भी वीडियोस भेजी हैं, अभी भी मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ। तो इसके अंदर जो पहला सवाल है वो है हमारे पास 1 3x² प्लस 6/y डॉट डी एक्स प्लस x² / y प्लस 3y/x डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पास क्या ये सवाल है? अच्छा, इसको हम सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे असल में एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन है, 9.4 में डाला हुआ। ठीक है बेटा, इसको हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो क्या जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स है, सॉरी। ठीक है, तो इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 3x² y प्लस के 6x बाहर के बाहर डी एक्स प्लस के x³ प्लस के 3y² डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, इस वाली टर्म को हम कहते हैं एम और इस वाली टर्म को हम कहते हैं एन। ठीक है, तो डावा एम अपॉन डावा वाई, क्योंकि एक्स है यहाँ पे तो हम तो उसके उलट लेंगे। हमने लिखा है यहाँ पे 3x² डावा वाई अपॉन डावा वाई। ठीक है, ये हमारे पास कट के हो गया 1, जवाब आया हमारे पास 3x². ओके, तो सेम केस जो हमारे पास डावा एन का भी है, डावा एन अपॉन डावा एक्स, तो ये हुआ क्या हमारे पास, एक्स के हिसाब से हमने लिखा है यहाँ डावा डावा एक्स, यहाँ लगा दिया हम x³ प्लस 3y² डावा अपॉन डावा एक्स, ये हो गया 0। तो जवाब हमारे पास इसका भी 3x² आया। अब ये दोनों जो टर्म है हमारे पास x² x² ये दोनों क्या सेम है, तो दैट्स व्हाई इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है मेरा बेटा, ये क्या हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जब उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने चेक किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे एम डी एक्स, सही है। इसका जो जवाब आएगा हमारे पास आएगा, ये आंसर 1 आएगा प्लस सी के साथ, और उसके बाद सिमिलरली एन डी वाई, इसका जो जवाब आएगा वो आंसर 2 आएगा और कॉन्स्टेंट के साथ। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर क्या, 3x² वाई डॉट डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे आएगा, 3 बाहर है, ओके, प्लस 6 ब्रैकेट एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है मेरा बेटा, जवाब क्या हो गया, 3y x 2+1 2+1 यहाँ पर जवाब आया, प्लस 6x 1+1 1+1 प्लस ऑफ सी। तो जवाब क्या हुआ हमारे पास, ये भी 3 ये भी 3, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये 2 और यहाँ पर आ गया 3। तो जवाब क्या हुआ हमारे पास, जवाब आया ये हमारे पास x³ y प्लस 3x² प्लस के c, इसको हमने कह दिया a₁। ठीक है मेरा बेटा, दूसरा क्या है हमारे पास, x³ प्लस 3y² सही है। तो हमने लिखा यहाँ पे x³ ये होगा dy के साथ, मैंने लिखा x³ और यहाँ पे हमने लगा के dy प्लस 3 इंटीग्रल, यहाँ पे हो गया y² डॉट डी वाई, तो ये कटा हमारे पास हो गया ये x³ y प्लस 3 y, ये 2+1 3 और ये अपॉन 3 3 3 से कट गया प्लस के c। तो जवाब आया हमारे पास x³ y प्लस
वाई क्यूब प्लस सी। अब आपने लिखा आंसर, आंसर इज इक्वल टू, ये हमने ए टू कह दिया। आपने लिखा यहाँ पे एक्स क्यूब वाई, 3x² ये एक दोबारा कॉमन है हमारे पास, प्लस वाई क्यूब प्लस सी, यहाँ पर जवाब आएगा। ठीक है बेटा, तो इस सवाल का जवाब हमारे पास इस तरह से ये आ रहा होगा। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे हटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको और ताकि थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाए। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, वो हमारे पास कह रहा है वाई, सॉरी वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x e की पावर वाई डॉट डी एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 2x ई की पावर वाई माइनस के 1, ये हो गया डी वाई। यहाँ पास क्वेश्चन है, इस वाले टर्म को हम क्या कहेंगे, एन, इस वाले टर्म को हम क्या कहेंगे, एन। सबसे पहले हमने चेक किया डावा एम अपॉन डावा, ये एक्स है तो वाई के हिसाब से, सही है। तो आपने लिखा यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स डावा वाई अपॉन डावा वाई प्लस 2x डावा ई की पावर वाई अपॉन डावा वाई। तो इसका जो जवाब आएगा हमारे पास वो ये आएगा, ये कट के 1 हो गया, और इसका जवाब जो है ई की पावर वाई ही होगा। तो हमारे पास जवाब जवाब जो आया वो ये आया कि डावा एम डावा वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x और e की पावर वाई, ये हमारे पास जवाब आएगा इसका पहले का, सही है। उसके बाद लिखा हमने डावा एन अपॉन डावा एक्स के हिसाब से। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, डावा अपॉन डावा एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस, अब आपने लिखा यहाँ पर x² है, e की पावर वाई बाहर आ गई, डावा अपॉन डावा एक्स x² यहाँ पे आ गया माइनस के 1, डावा अपॉन डावा एक्स ये वाली टर्म हो जाएगी 0, ये वाली टर्म जो है हमारे हो जाएगी 2x, और ये जो है साइन का डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव कॉस। तो हमारे पास जवाब आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x ई की पावर वाई। अब यहाँ पे आप देखें कि ये टर्म और ये टर्म ये दोनों सेम है, इट मीन इज ए एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, हमें जवाब क्या लिखना है, एम डी एक्स, सही है, एम डी एक्स और एन डी वाई। अच्छा, एम डी एक्स एन डी वाई के अंदर क्या लिखेंगे हम ये, अच्छा मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ ताकि फिर हम उसको जगह मिल जाए हमें, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अच्छा, ठीक है बेटा, अच्छा भाई, अब हमने लगाया एम डी एक्स, ठीक है, तो एम डी एक्स हमें लगाना है, हमने लिखा यहाँ पे वाई इंटीग्रल कॉस
ऑफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस ई की पावर वाई उठा के बाहर फेंक दिया हमने, और सॉरी ये टू भी आएगा बाहर, सॉरी। और उसके बाद जो है हमारे पास आया यहाँ पे एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है ये एम डी एक्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास हुआ ये कॉस का डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है पॉजिटिव साइन, ये हो गया वाई साइन ऑफ एक्स प्लस टू ई टू द पावर वाई। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव बारह मौजूद है तो एक्स की पावर टू अपॉन टू, ये इससे कट गया प्लस के सी। तो जवाब हमारे पास क्या आया, जवाब आया वाई वाई साइन एक्स प्लस ई की पावर वाई, ये जवाब आया। इसको हमने कह दिया आंसर वन, ठीक है मेरा बेटा। अब हम आंसर टू की तरफ जा रहे हैं, यानी एन डी वाई के पास जा रहे हैं। अच्छा इसमें क्या हो गया, वाई हमें चाहिए, हमने लिखा साइन ऑफ एक्स इंटीग्रल डी वाई प्लस, अब आपके पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर को उठा के बाहर फेंक दिया आपने, इंटीग्रल ई टू दी पावर वाई डॉट डी वाई माइनस के वन, और ये हो गया डी वाई। अब बेटा इसका जवाब क्या होगा हमारे पास, ये से कट जाएगा, ये होगा वाई साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसका इंटीग्रल वही होगा हमारे पास ई टू दी पावर वाई, सेम ही रहेगा, इसमें फर्क नहीं होगा। इसका फॉर्मूला ई टू दी पावर वाई ई पावर बॉक्स अपॉन बॉक्स डैश, ठीक है माइनस ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के वाई प्लस के सी। इसको हमने कह दिया आंसर नंबर टू। अब हमने क्या करना है, आंसर को यूनियन करना है, तो आंसर इज इक्वल टू ए वन यूनियन ए टू, तो आप लिखेंगे यहाँ पे वाई साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई, दोबारा यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ वाई लिखना होगा हमें इसमें, ठीक है मेरा बेटा। तो हमें माइनस वाई और प्लस सी लिखना पड़ेगा। अब टर्म्स आप देख लीजिए, वाई साइन एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई एक्स स्क्वायर की पावर वाई माइनस के वाई प्लस सी, यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है मेरा बेटा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ओके अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, हमने पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, हमें तीसरा सवाल अब सॉल्व करना है। तो तीसरा सवाल जो हम सॉल्व करेंगे उसमें होगा क्या, ये लिखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स ऑफ वाई डॉट डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के टू ऑफ वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है यहाँ पर सवाल है। बेटा एन क्या होगा, एन क्या होगा, उसे चेक कर लें पहले, डावा एम अपॉन डावा वाई के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ, ठीक है तो हमने लिखा है यहाँ पे डावा अपॉन डावा वाई, तो इसके अंदर जो है हमारे पास वाई के हिसाब से जाएगा, तो हमने लिखा है यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर डावा अपॉन डावा वाई प्लस फोर एक्स बाहर आ गया डावा वाई अपॉन डावा वाई, ये टर्म हो गई जीरो और ये टर्म हो गई हमारे पास वन हो गई, यानी आपके पास जवाब आया फोर एक्स। ओके अब नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, ओके डावा एन अपॉन डावा एक्स, तो अब हमारे पास होगी क्या, यहाँ पे टू को अपने बाहर रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई
डावा अपॉन डावा एक्स, तो वहां पर ये टर्म हो गई 0 और ये टर्म क्या हो गई हमारे पास 2 टू द 4x, इसका भी 4x आ गया। अब आप ये देखें, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, इट्स मीन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है, इट इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो आपके पास जवाब क्या होगा इसमें, आपने लिखा यहाँ पे एम डी एक्स और एम डी वाई, यहाँ पे लिखा आपने एम डी एक्स इज इक्वल टू 3 x² डॉट डी एक्स प्लस 4 y, और यहाँ पे आएगा x डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 4 ऑफ y इंटू एक्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस ऑफ c। तो ये से कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, तो जवाब हमारे पास क्या आई सी है, सॉरी हमारे पास जो जवाब आया वो आया हमारे पास x³ प्लस 2 x² y प्लस c, इसको हमने कह दिया a₁, ठीक है मेरा बेटा। अब हम जो नेक्स्ट केस के अंदर जा रहे हैं, वहां पर एन डी वाई है, हमने लिखा यहाँ पे एन डी वाई, आपने लिखा यहाँ पे एन डी वाई इज इक्वल टू, तो एन क्या है हमारे पास 2 x² डी वाई प्लस 2 y इंटू डी वाई। अच्छा ये इससे कट जाएगा, तो जवाब आएगा हमारे पास 2 x² वाई प्लस 2 y 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस ऑफ सी, ये हमारे पास आंसर क्या है। अच्छा ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक है, और इसको हम कहेंगे आंसर नंबर 2, इसको हम कहेंगे आंसर नंबर 2। अब आंसर क्या होगा हमारे पास, वो होगा a₁ यूनियन a₂, यानी x³ प्लस 2 x² वाई प्लस y² प्लस के सी, यहाँ पर जवाब आ गया हमारे पास, ठीक है मेरा बेटा। हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो आप सबसे पहले आप चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं, उसके बाद तो ऐसी वो खास चीज है नहीं तो आप उसको सॉल्व ना कर सके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अच्छा मेरा बेटा, अच्छा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 2x cos वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास 2x cos y प्लस 3 x² वाई अच्छा क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चलिए मैं इसको इसको नेक्स्ट में मैं करवा देता हूँ अभी, ठीक है, मैं क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, आपको कोड लॉजिक बता दी कि हम किस तरह से काम कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, तो मैंने इसको किया ये, और ठीक है, तो हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, और इंशाल्लाह फॉर द वेरी वेरी बेस्ट, और इसको हम एंड करते हैं, ठीक है, और